वकील यहाँ पर धरना दे रहे, इन्हें कोई छेड़खानी इनके साथ में ना कर दे, ये एक आंदोलन का हिस्सा है दिल्ली का। जैसे दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन है, ऐसे ही हिसार जो कोर्ट है इसमें आंदोलन चला हुआ है। इनके समर्थन में आए, इनसे बातचीत करने आए, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, इनका साथ दिया जाए, अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो ये साथ देंगे। सर अनिल विज कह रहे कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे तो हम अपने आप करवा लेंगे, ये तो हॉस्पिटलों का इंतजाम करें, जो ऑक्सीजन नहीं है उसका इंतजाम करें, वहाँ क्या कोई बीमार है अपने आप अस्पताल में चल जाएगा। इन्हें कहा अच्छा जो बीमार है अस्पताल में जाओ उसको तो बेड दी, जबरदस्ती बीमार करके ले जाया जाओगे, ये कौन सा गणित है ये समझ में नहीं आया हमारी। सर ऑक्सीजन लूटने का आरोप भी किसानों पर ही लगाया गया है कि दिल्ली में जो किसानों ने ऑक्सीजन लूटी है। ना लूटने की नहीं बात करी, उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन के वे गैस के सिलेंडर ने जान दिए, ठीक है। हमने कहा हमने दूध नहीं रोका, फल नहीं रोका, उस एजेंसी के खिलाफ जांच जरूर होगी कि जिसने इस तरह का बयान दिया। और कल उन्होंने सुबह के टाइम एक टैंकर लेकर आए और वो टैंकर करीब 30 किलोमीटर दूर कूटना घुमाया, उसको धरने के बीच से लेकर आए। हमने कहा भाई इसको निकाल लो यहाँ से, पहली बार पांच महीने में कोई वहाँ को ट्रक आया वहाँ को, हमने कहा इसे जरूर निकाल लो। और वो वहाँ को घूमने के चक्कर में उसको 30 किलोमीटर का चक्कर पड़ा वहाँ को लाने के लिए, हमने वो कटवाया, फिर वो अपने रूट पे गया और वहाँ से निकले, सब रास्ते खुले हुए हैं। जो आवश्यक वस्तु है करीब 300 एम्बुलेंस वहाँ को पर डे निकलती है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जाती है, वो पूरी एक कैरिडोर है, हमने खोल रखा है वो, उसमें वो जो गाड़ियाँ हैं वे भी निकल रही है। वहाँ पे दो हाईवे चलते हैं, एक 9 नंबर हाईवे है वो आधा खुला हुआ है, एक 24 नंबर हाईवे है वो खुला हुआ है, 24 नंबर की दोनों सर्विस रोड खुली हुई है और हम जो बैठे हुए हैं एक 24 नंबर की आधी जो रोड है सर्विस रोड उस पर बैठे, एक 24 नंबर हाईवे और एक 9 नंबर हाईवे, हम दो रोड पर बैठे और चार रोड वहाँ की खुली हुई है पूरी रूप से, ये पूरा धोखा देते हैं ये। और अब आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जो चैनल हैं, जो दिल्ली के चैनल हैं, उनको अपने मालिक का नाम जरूर बताना पड़ेगा। मैं हर चैनल के इंटरव्यू में जाऊंगा, उनके ऑफिस में जाऊंगा, उसका मालिक कौन है पहले वो अपने डाटा देना पड़ेगा, भाई बिना माँ बाप का चैनल कैसे चलाओगा। यही दो तीन चैनल है जो हमारे खिलाफ चलाते हैं, जी न्यूज है, एक आर भारत है, इनका अपना नाम पता बताना पड़ेगा कौन से मालिक के ये हैं, और कोई नहीं चलाता, और तो ठीक कर रहे काम, ये भी दो हिस्ट्रीस्ट में है, ये चला रहे, इनके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। जो हमारी फसलें नहीं बिखरी और ये कह रहे जी फसलें बिखरी, हम इनके ऑफिस पर लेके जाएंगे, जो सरकार का रेट है वो लेके जाएंगे, हमारी फसलें बेचो भाई। फसलों की पूरे हरियाणा में क्या इस समय की स्थिति है? हरियाणा में करीब 17 मंडियां बंद हो चुकी है और जो इनके गोदाम बने हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सरकार कह रही कि उनके वहाँ पर लेकर जाओ, और पूरा लाइन लगी हुई है, कोई फसलें नहीं बिखरी। और इसी तरह से करीब 147 मंडियाँ उत्तर प्रदेश की, उनकी सैलरी नहीं गई। आंध्र प्रदेश में गए तो आंध्र प्रदेश में करीब 20 से ज़्यादा मंडियाँ आंध्र प्रदेश में है जिनकी सैलरियाँ नहीं गई। अगर अब इसे ही हालात ये हो गए तो आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान की हर मंडी बंद हो जाएगी। केएमपी टोल पर पिछले कुछ दिनों में 2 बार सैनिक बलों को वहाँ पर तैनात किया गया, क्या मानते हैं, क्या मंशा है सरकार? कर ले तो, और सैनिक बल भी तो अपने ही है वे सारे, उन्हें भी अपना ड्यूटी देनी, दिल्ली के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, अपना लंगर भंडारा चखो, वही क्या दिक्कत है जी। सरकार द्वारा एक बात कही गई है कि एनसीआर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इस बारे में क्या? ना कोई प्रभावित नहीं हो रहा, एनसीआर के लोग तो वहाँ रोटी लेकर आवे, पानी लेकर आवे, और ये कहते हैं जी हट मत जाना नहीं तो देश बर्बाद हो गया, सब लोग जनता साथ में है। कोरोना काल में सरकार क्या सही काम कर रही है? कोरोना काल में सरकार एक बार लॉकडाउन लगा और यू आधा देश फिर बिकेगा, ठीक है जी। कोरोना काल में एक बीमारी है ये, इसका इलाज होना चाहिए, ऑक्सीजन देश नहीं दे रहा। अरे चंदा इकट्ठा करना था तो मंदिर तो 2 महीने बाद में बन जाता, ऑक्सीजन के सिलेंडर ही खरीदो पहले, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, ये कमी दिखा के। बंगाल में कोरोना नहीं है, ये दिल्ली के आसपास आ रहा है, हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए, सरकार का जो काम है उस पर काम करना चाहिए। पिछले लॉकडाउन से लेकर आज तक सरकार ने कोई काम किया है? नहीं करा, बेचने का काम करा सर, आधा देश बेच दिया। अनिल विज जी का कहना है कि जो किसान वहाँ बैठे उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और उनको जो है चेकअप भी किया जाएगा कोरोना। चेकअप तो करवाते नहीं हम,
वैक्सीन लगवाएंगे। हमने कह दिया किसानों को कि इंजेक्शन तो जरूर लगवा लो, और वो आधा पुलिस वाले लगवाएंगे और आधा इंजेक्शन किसान लगवाएंगे। मैं भी वही लगवाया कि 5 पुलिस वाले थे, इंजेक्शन खुला, पहले इनका लगा फिर मेरा लगा, पहले इनका लगा फिर मेरा लगा। अब तक कोरोना टेस्टिंग नहीं थी और अब एकदम से सरकार को कोरोना टेस्टिंग याद आ गई। कोरोना टेस्टिंग जो बीमार होगा वो अपने आप अस्पताल चल जाएगा, सब पालगा, आप इंतजाम रखो। समय से वायरल हो रहा है कि अगर इंटरनेट बंद होते हैं तो सभी किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पर कूच करना चाहिए, ये मैसेज कहां तक सच है? नहीं नहीं, अभी नहीं कूच जब करना होगा अपने खेत में काम करें, जब जरूरत होगी बुलाते रहेंगे। चौधरी साहब, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सुताई अभियान चलेगा उसके अगेंस्ट में दामू में जी। आपने पशुओं को लेकर कहा कि सरकार कानून बनाने जा रही है दो पशुओं को लेकर, क्या है इससे क्या? ये बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे, उस बिल में ये है कि अगर किसी के पास में दो पशु हैं तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव में। अब कॉमर्शियल कनेक्शन लेकर भाई नफा होगा या नुकसान होगा वो बता, पूर्ण रूप से नुकसान उसका होगा। फसल बीमा किया गया था किसानों को और उनके अकाउंट से पैसे काट लिए गए थे केसीसी से, लेकिन फसल बीमा किसानों को नहीं दे रही है। वो तो मिलता ही नहीं, वो तो कंपनी का भी पता नहीं चलेगा। ये भारत सरकार से पहले बात हुई थी कि या तो उन कंपनी को बताओगे कौन है, और इसको स्वैच्छिक होना चाहिए कि किसी किसान को अगर कटवाना है तो कटवा लें, किसी को नहीं कटवाना नहीं कटवाना वो बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसान को भर कर देना पड़ेगा। अब आम किसान कहाँ भर कर देगा? अरे आप उसको जिसको बीमा करवाना है वो भर का अपने आप दे देगा। तो ये काटने का अभियान चल रहा है जिससे कंपनी को ज्यादा लाभ हो। अभी एक बात और आ रही है कि पहले जो फसल बीमा करवाते थे जिसकी गिरदावरी पटवारी करता था, अब जो है कंडीशन ये लगाई गई है कि गिरदावरी जो फसल का जो नुकसान है वो कंपनी के अधिकारी तय करेंगे। यही करते हैं तो कंपनी का अधिकारी, ये तो कंपनी को लाभ देने के लिए पूरा वो बना रखा है बैंक और कंपनी वाले, ना किसी ने कंपनी वाले देखे ना उसके अधिकारी देखे, वे सिर्फ पैसा काटते हैं। पिछले 3-4 साल से बड़ा नुकसान हो रहा है, जब भी बातचीत होगी भारत सरकार से तो ये एक बड़ा इशू है, ये रखा जाएगा। सर, जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह जी दोनों साथ नजर नहीं आ रहे, क्या उनमें दोनों में मतभेद है कुछ लोगों? नहीं, तो 40 लोग है भाई, दोनों एक जगह क्या करेंगे जाके, वो अलग काम करेंगे, हम वहाँ जाएंगे वो वहाँ जाएंगे, 40 के 40 सारे घर के इकट्ठे जाके, अगर घर का सारा कुनबा है एक पत्रकार है सारा कुनबा साथ ही होगा पत्रकारों के, तो अपना काम करो, वे भी कर रहे हैं, वे कर रहे, सब लोग काम कर रहे हैं। जब कोई फैसले होते हैं, कल भी हम इकट्ठे थे और सारे लोग तो इकट्ठे होते ही नहीं, कोई वहाँ मीटिंग करेगा, कोई वहाँ करेगा, कोई वहाँ करेगा, इशू सबके एक है। जिस तरीके से 26 तारीख के बाद अभी तक भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो क्या आप लोग वार्तालाप के लिए तैयार? ना ना, अभी इतना लंबा कहाँ हो गया आंदोलन, तो 5 महीने ही तो हो गया। अच्छा, सरकार ये 5 साल चला लेंगे, आंदोलन 5 साल नहीं चलेगा, आंदोलन भी 5 साल चलेगा। हाँ, क्या लगता है कब तक वार्तालाप हो पाएगी? हमें तो जरूरत है नहीं भाई वार्तालाप की, और ना हमारे कहने से कोई वार्तालाप करेगा, ये तो आंदोलन चलेगा, हम आंदोलन चलाएंगे, मजबूत तरीके से चलाएंगे, पूरे देश भर में चलाएंगे। किसानों के लिए संदेश है कि अपने खेत पे ध्यान रखे, आंदोलन पे ध्यान रखे, जैसे अपने खेत में जाते हैं ऐसे ही आंदोलन में जाए, बस इतना ध्यान रखे। बीजेपी का विरोध किया जा रहा है तो वहाँ पर किसानों को खदेड़ दिया जाता है, हालांकि जो किसान यूनियन कह चुकी है जो कार्यक्रम बीजेपी ना करें, फिर भी बीजेपी के नेता जो कार्यक्रम कर रहे हैं क्या कहेंगे? अच्छा, वे तो करेंगे, वे भी कार्यक्रम करेंगे, हमारे वाले भी करेंगे, दोनों का ठीक तालमेल चल रहा है। अच्छा, और बीजेपी वालों का इनका माड़ा पर आवेंगे हम, जब तक हमारी लड़ाई हो रही, लड़ाई में कोई लड्डू बांटता है क्या? तो भाई प्रसाद मिलेगा उन्हें, जिस तरह का प्रसाद उन्हें चाहेगा वो दे रही है, अंकी जनता आदित्य रहेगी। सर, पत्रकारों पर भी सरकार काफी भारी पड़ रही है। अब पत्रकारों की लड़ाई भी लड़ेंगे, वकील साहब लड़ेंगे, सारी लड़ाई आपकी लड़ेंगे, हम साथ खड़े हैं भैया, साथ खड़े, कोई दिक्कत नहीं, साथ खड़े हैं। पत्रकार एक सच्ची सच्चाई दिखाता है, उसके बावजूद उसको भाई जो सच्चाई दिखाओगे तो कलयुग है, जो सच बात कहेगा सजा का हकदार होगा। मुकदमा बना भाई, सच कहना ही तो सजा का हकदार है इस सरकार में। है हाँ, कड़वी लगे, सच्चाई नहीं खाती है ये सरकार, है सच्चाई नहीं खाता, खाना चाहती है। आज जाएंगे सिरसा तक, जाएंगे सिरसा तक जाएंगे, टोल पर जाएंगे, लोग उसे मिलेंगे। धन्यवाद तो धन्यवाद भाई आप सबका।